स्थानीय मंत्री राजेंद्र शुक्ल से हमारे रीवा दर्शन के चीफ एडिटर जावेद अंसारी ने खास बातचीत की। आइए जानते हैं मंत्री जी ने क्या वादे किए और किन मुद्दों के साथ वो जनता के बीच जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन, मैं जावेद अंसारी आपके साथ। अभी अभी रीवा के स्थानीय विधायक पिछले 3 बार से लगातार चुनाव जीत रहे राजेंद्र शुक्ल जी ने पर्चा दाखिल किया है। पर्चा दाखिल करने के बाद बाहर निकले, रीवा दर्शन ने उनसे खास बातचीत करने की कोशिश। इस बार क्या मुद्दे होंगे? इस बार तो विकास और शांति व्यवस्था, रीवा में शांति व्यवस्था बनी रहे, गुंडा राज न हो और विकास बिना किसी अवरोध के चलता रहे, यह मुद्दा इस चुनाव का रहेगा। ये बताइए कि इस बार ऐसी कौन सी नई योजना लेके आएंगे? पिछले 15 साल में आपने काफ़ी नए काम किए हैं, इस बार ऐसा कौन सा इसका आपके कार्यकाल में नया काम होगा? इस बार रीवा से बम्बई, दिल्ली और भोपाल के लिए हवाई जहाज उड़ाएंगे। ये अब जैसे कि स्वास्थ्य में यहाँ पर काफ़ी काम हुआ है और इसके वो हवाई जहाज ऐसा होगा जिसमें हवाई चप्पल पहनने वाला भी यात्रा कर सके। ऐसा कैसे होगा? क्योंकि 500 किलोमीटर बहुत सस्ता है, उसमें 50% सीटें केंद्र सरकार सब्सिडी देती है और जो 50% सीटें हैं उसमें हमारी राज्य सरकार सब्सिडी देगी, तो कुल मिला के 8-10 हज़ार वाला किराया 2-2.5 हज़ार हो जाएगा। ये थे मध्य प्रदेश शासन के उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल जी, जिन्होंने इस बार कहा कि इस बार सस्ता सुलभ हवाई जहाज उड़ाएंगे जिस पर कि हर आदमी यात्रा कर सके। हवाई चप्पल पहनने वाला भी।